मनावर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम बलीपुर के माँ अंबिका आश्रम में ब्रह्मलीन संत गजानंद महाराज का 104वां जन्मोत्सव रविवार को मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालीपुर आश्रम लगभग 1 बजे पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पहुंचकर गजानन महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कर शिवलिंग का अभिषेक भी किया। संत योगेश महाराज और सुधाकर महाराज के आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री ने लिए। सीएम ने कहा कि ये जन्मोत्सव का आयोजन देखकर मन काफी प्रसन्न हुआ है, बालीपुर धाम की पहचान पूरे विश्व में होगी। सीएम करीब 50 मिनट आश्रम में रुके, जहां संत योगेश महाराज ने सीएम को रुद्राक्ष की माला पहनाई और गजानन महाराज का चित्र भी भेंट किया। सीएम के साथ मंच पर प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी भी अंबिका आश्रम पहुंचे थे। ये कार्यक्रम धार जिले का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा। अंबिका आश्रम को आकर्षक विद्युत और फूलों से सजाया गया था। आश्रम में 108 रामायण पाठ, सतनाम स्त्रोत के 1.25 लाख पाठ, वहीं हनुमान चालीसा के 1.25 लाख पाठ करने का संकल्प लिया गया। इसी के साथ 24 लाख गायत्री मंत्र पाठ भी रात में महिलाओं के द्वारा किया गया। वहीं सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। ग्राम बलीपुर के संत गजानन महाराज की प्रतिमा को रथ में बिठाकर पूरे बलीपुर धाम में भ्रमण भी कराया गया। रात में गुजरात की प्रसिद्ध गायिका गीता रबारी ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। जो आदर्श है, जो भवन है, संस्कृति उन्होंने दी है, हम उसका पूजा निभा रहे हैं।